अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से लवली वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक है आपका नाजिमास किचन में। सो आज मैंने एक मज़ेदार इजी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि चीज़ कॉर्न टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग अच्छे से जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑफ बॉयल कॉर्न। कॉर्न को पहले अच्छे से बॉयल कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कैप्सिकम। जी, मैंने यहाँ पर 1/2 कैप्सिकम लिया चॉप किया हुआ। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिलीज। यमी यमी जी, मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने 2 ग्रीन चिली लिया। आपके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ओके, और यहाँ पर लिया है 1 to 2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, देन 1 teaspoon ऑफ शुगर पाउडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 3 to 4 tablespoon ऑफ मायोनीस। जी, मायोनीस अच्छे से इसको ऐड कर लेंगे। फिर मायोनीस ऐड होने के बाद, जैसे ही मायोनीस ऐड हो जाएगा, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। आप सॉल्ट आपके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। और फिर इसको अच्छे से मिक्स 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 कर देंगे। स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया, यमी यमी लग रहा है, क्रीमी क्रीमी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। ये मोज़रेला चीज़ है, आप आपके अकॉर्डिंगली चीज़ ऐड कर सकते हो। चीज़ अगर आपको कुछ कम चाहिए तो कम डाल सकते हो, लेकिन इसका नाम ही चीज़ कॉर्न टोस्ट है तो चीज़ तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ ऐड की और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस स्टफिंग को यहाँ साइड पे रख देते हो। और फिर यहाँ पर लिया है 4 ब्रेड स्लाइसेस। 4 ब्रेड स्लाइसेस को एक एक वन साइड पे बटर अप्लाई कर लेंगे। और साथ ही साथ आपने मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फुल वॉच करें। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी जब मैंने एडिट किया इस वीडियो को, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट करा है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये वीडियो को फुल वॉच करें विदाउट स्किप। एंड चलो देखिए, अभी यहाँ पर बटर अच्छे से अप्लाई हो गया है वन साइड पे। अभी यहाँ पर हम लेंगे पैन और फ्लेम ऑन कर देंगे। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है तो इसमें ऐड करेंगे हम ब्रेड के स्लाइसेस, जहाँ पर हमने बटर अप्लाई किया था वन साइड पे। उसको अच्छे से हल्का सा ब्राउन कलर आने तक टोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे और उसको साइड पे रखेंगे। और देखिए, ये से हमने हर ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से ब्राउन कलर टोस्ट करके रेडी रख दिया है। और जो मैंने स्टफिंग प्रिपेयर किया था चीज़ कॉर्न वाला, उसको हम हर एक ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। देखिए, और साथ ही साथ मेरी अम्मी के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये मज़ेदार इजी स्नैक्स की रेसिपी। मुझे यकीन आप लोग को ये मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में इंजॉय करें। ये बनाइए और सबको खिलाइए और ख़ुद खाइए और बच्चों को खिलाइए और इंजॉय करें। और देखो, अभी मैंने यहाँ पर हर एक ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से कॉर्न वाला स्टफिंग ऐड कर लिया है। अभी हम डालेंगे और मोज़रेला चीज़। जी, अभी और थोड़ा मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे स्टफिंग के ऊपर। कि जैसे ही हम मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे ओरिगैनो एंड रेड चिली फ्लेक्स। जी, इससे और मज़ेदार टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, यमी यमी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप स्किप कर सकते हो। ये अभी यहाँ पर हम ब्रेड टोस्ट कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है पैन। पैन को हमने स्लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बटर मेल्ट कर लिया है, बटर को ऐड कर दिया है। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो हम जो ब्रेड की स्टफिंग प्रिपेयर किए थे चीज़ कॉर्न टोस्ट, वो ऐड कर लेंगे। और जैसे ही ऐड कर लेते हैं तो हम इसको स्लो फ्लेम पे ही लिड कवर कर लेंगे। जैसे ही जब तक चीज़ मेल्ट हो जाता है उसको, तब तक हम स्लो फ्लेम पे ही 5 मिनट्स के लिए हम
इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम यमी यमी लग रहा है अभी देखिए, मज़ेदार लग रहा है। चलिए मैं इसको कट करके बताती हूँ हर एक ब्रेड स्लाइसेस को। देखिए एकदम मज़ेदार और यमी लग रहा है और बहुत ही इजी स्नैक्स है ये, आप लोग ज़रूर बनाइए। और ये ऐसे ऐसे स्नैक्स बना के आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए कितना यमी लग रहा है। इनके रेडी हो गए एकदम इजी स्नैक्स की रेसिपी, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।